सो गाइस, आपको भी ऐसे पेंटिंग बनानी है। सो ओनली मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट की है। सो आपको भी ऐसा बनाना है। सो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये पेंटिंग कैसे बनती है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस पेंटिंग में कौन सा सप्लाईज का यूज करने वाला हूँ ये आपको पहले बता देता हूँ। सो सबसे पहले मैं एक्रेलिक कलर का यूज करने वाला हूँ। एक व्हाइट है और ब्लू है, पिंक है, रेड है, ब्लैक है एंड पिंक है। तो 5 कलर की जरूरत पड़ेगी। एंड कलर्स को निकालने के लिए एक नॉर्मल सा ब्रश यूज कर सकते हो आप। इस पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है पिंक एंड ब्लू, उसको मैंने फ्लैट ब्रश से बनाया है। सो इस ब्रश की मदद से मैंने ब्लैक परछाई को बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ वाली। एंड एकदम पतले से ब्रश का यूज करके मैंने ये सब ट्रीज बनाए हैं एंड ये लाइन्स बनाई है लाइट की। एंड हाईलाइट के लिए मैंने जेल पेन का यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। थोड़े से वाटर की जरूरत पड़ेगी एंड कलर को निकालने के लिए ट्रे की जरूरत पड़ेगी। हम जितने भी टूल्स यूज करने वाले हैं ये टूल्स सभी यहाँ पे है। और चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रश में वाटर लेके पूरे पेज को भिगो लेना है। देन उसमें रेड एंड पिंक को मिक्स करके आधे पेज को कवर कर लेना है कलर से। एंड जितना एक बचा है उसमें ब्लू एंड व्हाइट को मिक्स करके अप्लाई कर देना है। एंड देन ब्रश में थोड़ा सा पानी लेके ब्लू कलर में मिक्स करके आपको बादलों को बनाना है ऐसे करके। आप देख सकते हो मैंने कैसे ब्लू कलर का यूज करके बादल को बना रहा हूँ। सो आपको भी ऐसे ही बनाना है। एंड ब्लैक कलर की मदद से हमको बल्ब की लाइंस एंड ट्रीज को बनाना है। देन व्हाइट कलर की मदद से हमको बल्ब्स को बनाना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको पेंट थोड़ा सा आराम से करना है बिकॉज कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक अपने गड़बड़ से पूरी पेंटिंग बिगड़ जाएगी। एंड जेल पेन की मदद से बल्ब के आसपास हाईलाइट करना है, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि बल्ब में से रोशनी आ रही है। एंड ट्रीज एंड बाकी झाड़ियों को हाईलाइट कर देना है क्योंकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। सो फ्रेंड्स, मेरी पेंटिंग कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना। ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। एंड वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर देना।